शाहपुरा नगर स्टैंड होते हुए भी रोड पर दुकानों के सामने बेढंग बसों के खड़े होने से असुविधा हो रही है। बता दें कि पूर्व में शाहपुरा नगर परिषद ने जनपद पंचायत के सामने बस स्टैंड का निर्माण कार्य कराया था, लेकिन वहां पर शासन प्रशासन बस स्टैंड चालू नहीं करा पाया। वर्तमान में मेन रोड पर जहां बसें खड़ी होती हैं, वहां पर दो मुख्य रोड आकर मिलती हैं। भोपाल सागर से आने वाला रोड जहां आकर मिलता है, वहां पर नरसिंहपुर जाने वाली बसें खड़ी होती हैं। दूसरा खैरी छपराट रोड, जिसके सामने दुकानें एवं क्लिनिक सेंटर है, जो कि 70 फीट जगह में है, जहां पर जबलपुर जाने वाली सभी बसें खड़ी हो जाती हैं, जिसके चलते ग्राहकों को बहुत परेशानी होती है। वहीं व्यापारियों द्वारा इसके पहले भी अनुविभागीय अधिकारी को फोन के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया गया था, परंतु आज तक कोई भी आश्वासन नहीं मिला। स्थानीय व्यापारियों की माने तो सभी दुकानदार परेशान हैं। उनकी दुकान के सामने बसों के खड़े होने से ग्राहकों पर असर पड़ता है, जहां स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि शासन प्रशासन के पास बहुत सी जगह खाली पड़ी है, वहां बसों का स्टैंड बनाया जा सकता है। अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं होता तो मजबूरन न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। क्या समस्या है भाई साहब? हमारे यहाँ क्या है कि डॉक्टर कुमार साहब से लेके शैलेश जैन तक ये करीब करीब 70 फुट जगह है, तो ये लोग सिर्फ ये बसेज अपनी तीन से लेके चार चार बसें तक इकट्ठी खड़ी कर देते हैं, एक के पीछे एक खड़ी कर देते हैं, और हम लोगों के ग्राहक भी हमारी दुकान तक नहीं आ पाते। जी जी। और इन लोगों से दावा कंडक्टर्स वगैरह से हम लोगों की बहस हो जाती है, तो वो हम लोग चाह रहे हैं कि ये वाली जो बसें हमारे यहाँ खड़ी होती हैं, नगर पंचायत अपने जगह जहाँ उसे संजोग वहाँ खड़ी करें। तो हम लोगों की सब देखिए, हम लोगों की दुकानों की स्थिति ये हो गई है कि हमें अपनी दुकान बंद करना पड़ी, यहाँ तक कि हमें अपनी दुकान बंद करके बाजार में दूसरी जगह मकान किराए से लेके हम लोग अपना काम चला रहे हैं। ये आदरणीय, आपने कहीं शिकायत की अधिकारियों को? जी हाँ, मैंने इसके पहले शिकायत की, हम प्रभारी अधिकारी महोदय को अपने पत्र लिखा, मुख्यमंत्री महोदय को हमने लिखा, अभी तक वहाँ कोई जवाब नहीं आया है। नाम बताएं वो अपना? मैं चौधरी विजय कुमार जी। हम अपने मीडिया भाइयों के द्वारा यह मांगना चाहते हैं कि हमारे शेपरा में रोड, मेन रोड जो है वो काफ़ी कंजस्टेड बस्ती है, एवं साइड में बस स्टैंड की प्रॉपर व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी रोड पर बसें खड़ी कर जाम लगाया जाता है। यहाँ बस स्टैंड से यात्रियों को बिठाया जाता है, उतारा जाता है। तो सबसे पहले हम आप लोगों के थ्रू यह बात रखना चाहते हैं कि बस स्टैंड को, बसों को चाया बस स्टैंड में ले जाया जाए, वहाँ पर पूरा उनका स्टॉपेज रहना चाहिए। कि मेन रोड पर बसें जो खड़ी होती हैं, इसको पूर्णतः प्रतिबंधित कराना चाहिए, क्योंकि हमारे शहपरा में जो है जाम की स्थिति हमेशा ही बनी रहती है, जाम और दुर्घटना होती है। इसका ध्यान रखते हुए प्रशासन मीडिया भाइयों के द्वारा यही मांग है कि आप बस स्टैंड को यथावत स्थान ले जाएं एवं बसें पूर्ण व्यवस्थित रूप से खड़ी कराएं, जिसमें यात्रियों को भी सुविधाएं होंगी, बस मालिकों को भी सुविधाएं होंगी, एवं बस के ड्राइवर कंडक्टर सभी लोगों को व्यवस्थित जगह मिलेगी, व्यवस्थित उनका अपना गियर रहेगा जहाँ वो खड़े होंगे, जिससे किसी व्यापारी की दुकान के सामने खड़े ना हो वो, जिससे किसी के बात विवाद ना हो और व्यापारी भाइयों का भी कोई नुकसान ना हो, वह अपनी दुकान पूर्ण रूप से सुचारू चला सके और उनके यहाँ जो गाड़ियाँ आती हैं वो अपने सामने अपनी गाड़ियाँ पार्क करवा सके। जी, नाम बताएं? नाम विवेक कुमार जैन। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039।